हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तिल की, यानी कि सेसमे सीड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसकी वेराइटीज़, इसके बेनिफिट्स और डे टू डे लाइफ में आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कुछ पोटेंशियल हेल्थ रिस्क। तिल के बीज बहुत छोटे टाइनी होते हैं एंड दे आर ऑयल रिच सीड्स, यानी कि इनमें बहुत तेल होता है। दे ग्रो इन पॉट्स ऑन सेसमम इंडिकम प्लांट। तिल के बीज दो वेराइटीज के होते हैं, सफेद और काला, वाइट सेसमे सीड्स एंड ब्लैक सेसमे सीड्स। ये अनहल्ड एंड हल्ड मीन्स पॉलिश के और बिना पॉलिश के दोनों तरीके से मिलते हैं। अनहल्ड मतलब कि बिना पॉलिश वाले बीज गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और जो हल्ड होते हैं मीन्स पॉलिश वाले बीज वो ऑफ वाइट कलर के होते हैं जो रोस्ट करने से ब्राउन हो जाते हैं। न्यूट्रिशन के फॉर्म में देखें तो अनहल्ड यानी कि बिना पॉलिश वाले सीड्स जिनका हस्क लगा होता है, जो छिलका लगा होता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें ज़्यादा फाइबर होते हैं। हज़ारों सालों से तिल के बीज अपने हेल्थ बेनिफिट्स के कारण घरेलू मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। ये बीज मेनली हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस में विशेष रूप से हेल्पफुल हैं। डेली किसी भी रूप में हैंडफुल ऑफ सेसमे सीड्स यानी कि मुट्ठी भर तिल के बीज या उसका तेल अगर आप लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। चलिए अब तिल के बीज में न्यूट्रिएंट्स और उनके बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो सेसमे सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर। 30 ग्राम्स ऑफ सेसमे सीड्स आपकी 12% RDI फॉर फाइबर कंप्लीट करता है, जिससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहती है। ये बीज बैड LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करने में हेल्प करता है, जो कि हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तिल के बीज इस तरीके से हार्ट डिजीज़ रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करता है। तिल के 30 ग्राम यानी कि राउंड अबाउट 3 चम्मच बीज से आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पर्टिकुलरली हल्ड सीड्स प्रोटीन के बेस्ट सोर्स हैं और प्रोटीन आर नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बॉडी। तिल के बीज आपका ब्लड प्रेशर लो रखने में भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होने के कारण ये बीज बीपी लो करने में हेल्प करता है। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप को प्रिवेंट करता है और हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्ट्रोक और हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हेल्दी बोन्स के लिए तिल के बीज बहुत फायदा करते हैं। अनहल्ड सेसमे सीड्स कैल्शियम में रिच होते हैं और साथ में वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बोन हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। सोकिंग, रोस्टिंग या स्प्राउटिंग इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेसमे सीड्स और ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इन्फ्लेमेशन से होने वाली कई प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ या और तरीके से जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं उनसे फाइट करने में तिल के बीज बहुत हेल्पफुल हैं। सेसमे सीड्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। तिल के बीज में थायमिन, नाइसिन एंड विटामिन 6 के गुड सोर्स हैं जो प्रॉपर सेलुलर फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो है ब्लड शुगर, उसको कंट्रोल करने में भी तिल के बीज बहुत कारगर साबित होते हैं। लो इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाई इन प्रोटीन, हाई इन हेल्दी फैट्स और इन सब के कारण ये सीड्स ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ई, विटामिन B6 के साथ साथ जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं और साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं।
आर्थराइटिक नी पेन में तो ये तिल के बीज बहुत ही अच्छा काम करते हैं। सेसेमिन कंपाउंड जो तिल के बीज में पाया जाता है वो जॉइंट पेन को रिड्यूस करता है और आर्थराइटिस में होने वाले नी पेन को कम करता है। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो सेसमे सीड्स थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं एंड मेनोपॉज में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तिल के बीजों का अच्छा पार्ट है उसका तेल। बॉडी पेन, जोड़ों का दर्द, सर दर्द जैसे पेन में तिल का तेल बहुत काम आता है। हल्का सा गर्म करके पेन वाले एरिया में मसाज करने से पेन रिलीफ होता है। खाने और मसाज के अलावा तिल का तेल सदियों से कॉस्मेटिक यूज में भी आता है। डेली स्किन रूटीन हो या फिर डी टैनिंग करना हो, तिल का तेल अप्लाई करने से ही फायदा होता है। कई देशों में तो तिल का पेस्ट और तिल का तेल फेस क्रीम्स और फेस मास्क या फिर फेस पैक बनाने में आज भी यूज होता है। माइग्रेन और अस्थमा जैसी बीमारियों में तिल से बने हुए प्रोडक्ट्स यूज करने से बहुत आराम मिलता है। या फिर कई बार माइग्रेन में अगर आप हल्के गर्म करके उसकी मालिश करेंगे तब भी आपको सर दर्द में आराम मिलेगा। तिल के तेल का एक और बेनिफिट है कि वो आपकी फूड की क्रेविंग्स को कम करता है। क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है तो इसको खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और आप बार बार और ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताए कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में आपको कहीं ना कहीं सेसमे सीड्स हेल्पफुल ही होते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इनको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको स्पेशल डिशेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डिशेस ऑलरेडी ले रहे हैं उनके साथ ही इनको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टर फ्राइज में यूज़ कर सकते हैं। आप इनके साथ हॉट एंड कोल्ड सीरियल्स में यूज़ कर सकते हैं। ग्रैनुला एंड ग्रैनुला बार्स में तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। इसके साथ ही साथ ब्रेड और मफिन में आपने इनको स्प्रिंकल करके देखा ही होगा। क्रैकर्स का ये बहुत अच्छे पार्ट होते हैं। तिल के बीज को आप योगर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको स्मूदी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा तिल का यूज़ होता है सैलेड्स में। या तो आप इनको रॉ लीजिए या फिर एज अ सैलेड ड्रेसिंग भी ले सकते हैं। तिल के बीजों को हम डिप्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। ताहिनी और हमस इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर देखा जाए तो आप किसी भी क्यूजिन के ऊपर एज अ गार्निशिंग तिल को यूज़ कर सकते हैं एंड इजीली डे टू डे लाइफ में आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि ये सीड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, इनके बहुत ज़्यादा कोई ड्रॉबैक्स नहीं हैं। एक दो चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों को सेसमी सीड से एलर्जी होती है, तो आप इसको जब भी कंज्यूम करें पहले आप थोड़ा सा कंज्यूम करें और फिर चेक करें। अगर आपको इससे एलर्जी नहीं हुई है तो आप इसे डेली बेसिस पर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये थोड़े से हैवी होते हैं तो आप इसे कंज्यूम करने में इनकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। कोई भी ऑयल आपको मॉडरेट क्वांटिटी में ही लेना ठीक रहता है, अदरवाइज इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन सीड्स को यूज़ करने के लिए सोकिंग, रोस्टिंग या स्प्राउटिंग बेस्ट मेथड है। तो ये था थोड़ा सा सेसमे सीड्स पे डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें
और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे सीड को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।